हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ है शालीमार बाग जिसे जहांगीर ने बनवाया था, निशत बाग असफ अली के द्वारा बनाया गया है, पत्थर की मस्जिद नूर जहाँ ने बनवाया था एंड इसे लोकली कहा जाता है नए मस्जिद। फिर है चरारे शरीफ, इसे बनाया था जैनुल आविदीन ने। देन है हजरतवल मस्जिद। नेक्स्ट स्टेट हम लोग ले रहे हैं पंजाब एंड चंडीगढ़ में कौन कौन से प्लेसेस हैं। इसमें एक है फेमस, डैट इज़ गोल्डन टेम्पल अमृतसर एंड इसे बनवाया था महाराणा रणजीत सिंह ने, गोल्डन टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट आता है हरियाणा एंड दिल्ली। यहाँ है कुतुब मीनार, इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हौज खास दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। तुगलकाबाद दिल्ली का ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। जंतर मंतर जो कि दिल्ली और जयपुर में है, इसे बनवाया था सवाई जयसिंह ने। मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। रेड फोर्ट दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, बनवाया गया हमीदा वानो बेगम के द्वारा। ओल्ड फोर्ट दिल्ली का है, इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया। नेक्स्ट स्टेट है, ओके दिल्ली का और भी है, हरियाणा एंड दिल्ली में और भी प्लेसेस हैं। सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है, शुजाउद्दौला ने बनवाया। प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में है, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया। लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली में है, बिरला फैमिली के द्वारा। एंड खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया। शेर शाही मस्जिद, ओके ये पटना का कुछ इसमें आ गया है, वो पटना का है एंड परवेज शाह ने बनाया है। पत्थर की मस्जिद ये भी पटना का है, ये दोनों पॉइंट्स पटना वाले में जाएंगे एंड इन दोनों को बनवाया है परवेज शाह ने। देन आता है जामा मस्जिद, ये दिल्ली का है और इसे बनवाया है शाहजहां ने। इंडिया गेट ये न्यू दिल्ली में है एंड इसे बनवाया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये न्यू दिल्ली में है और इसे डिज़ाइन किया गया था हार्वर्ड बेकर के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो फेमस है, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में पड़ता है एंड सर मैलकम हैली के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आरामबाग आगरा में है, बाबर के द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सिकरी आगरा में है, अकबर के द्वारा बनाया गया। अकबर टॉम ये सिकंदरा में है, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। अहमद उद्दौला टॉम आगरा में है, नूर जहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। शीश महल आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। खास महल ये आगरा में है, ये भी शाहजहां ने बनवाया। दीवाने खास ये आगरा फोर्ट में है एंड इसे बनवाया शाहजहां ने। बड़ा इमाम बाड़ा ये है लखनऊ में एंड इसे बनवाया मोहम्मद अली शाह ने। आनंद भवन अलाहाबाद, इसे बनवाया मोतीलाल नेहरू ने। यूपी के और भी हैं, जैसे जामा मस्जिद आगरा में पड़ता है और बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद ये आगरा फोर्ट में है, बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। आगरा फोर्ट आगरा में पड़ता है, इसे बनवाया अकबर ने।
सतीबुर्ज मथुरा में पड़ता है, बनवाया राजा भगवान दास ने। जहांगीर महल आगरा में है, आगरा फोर्ट में है एंड बनवाया अकबर ने। अकबर का किला इलाहाबाद में है, बनवाया अकबर ने। चीनी का रोज़ा आगरा में है, बनवाया शाहजहां ने। गोविंद देव टेम्पल वृंदावन में पड़ता है एंड राधा वल्लभ टेम्पल ये भी वृंदावन में है। रंगजी टेम्पल ये भी वृंदावन में है। शाहजी टेम्पल ये भी वृंदावन में है। बिहार के कुछ प्लेसेस हैं जैसे शेरशाह टॉम, ये सासाराम में पड़ता है और शेरशाह के बेटे ने बनवाया था। गोलघर ये पटना में पड़ता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया है। पादरी की हवेली ये पटना में है, फादर कैपुचिन ने बनवाया। विष्णुपद टेम्पल ये गया में पड़ता है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। हरमंदिर साहिब ये पटना में है, महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल एंड यहाँ जो फेमस है फोर्ट विलियम कोलकाता में है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बनवाया गया। बेलूर मठ कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद के ने बनवाया। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। बोटैनिकल गार्डन शिवपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये कोलकाता में है एंड रानी रस मोनी ने बनवाया। फिर नाखुदा मस्जिद ये कोलकाता का है। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा एंड उड़ीसा में जो फेमस है वो है सन टेम्पल, कोणार्क नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल पुरी का चोल गंग देव के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के फेमस स्पॉट्स, गोलकंडा फोर्ट ये हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। चार मीनार हैदराबाद में है, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। एंड मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में संत जॉर्ज फोर्ट चेन्नई में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद रॉक में है एंड कांचीपुरम टेम्पल ये चेन्नई में है एंड इसे पल्लव किंग के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट स्टेट है केरला, केरला में है कोचिन फोर्ट फेमस एंड इसे पोर्तुगीज के टाइम पे बनवाया गया। डच महल ये है कोची में, डच ने बनवाया। नेक्स्ट है कर्नाटका, टीपू का महल बेंगलुरु में पड़ता हैदर अली ने बनवाया। लाल बाग बेंगलुरु में हैदर अली के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र में जो फेमस है कान्हेरी केव मुंबई में पड़ता है, बौद्धिस्ट के टाइम पे है बना। एंड एलिफेंटा केव मुंबई में है, राष्ट्रकूटा ने बनवाया। अजंता केव औरंगाबाद में है, गुप्ता रूलर ने बनवाया। एलोरा केव औरंगाबाद में है, इसे बौद्धिस्ट ने बनवाया। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है और औरंगजेब ने बनवाया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने बनवाया। हाई कोर्ट मुंबई में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बना। तारापुर एक्वेरियम मुंबई में है, अफगान चर्च मुंबई में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात पे, गुजरात स्टेट में जो फेमस है वो है कनकारिया लेक, अहमदाबाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया। साबरमती आश्रम अहमदाबाद महात्मा गांधी ने बनवाया था। शेकिंग मीनारेट्स झूलती हुई मीनार अहमदाबाद में सिदी बसीर ने बनवाया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ फेमस है कंदारिया महादेव खजुराहो में है एंड इसे चंदेला किंग ने बनवाया। मदन पैलेस जबलपुर में है, राजा मदन शाह ने बनवाया। मृगनायनी पैलेस ग्वालियर में है, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। धार फोर्ट धार में पड़ता है मध्य प्रदेश के एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। लक्ष्मण टेम्पल छतरपुर में है, चंदेला शासकों ने बनवाया। मान
टेम्पल ग्वालियर में पड़ता है, राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया। 64 योगिनी टेम्पल, ये खजुराहो में है एंड ये चंदेला के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, आप लोग कभी भी जाइए तो विज़िट करके आइए। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में पड़ता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। बूंदी फोर्ट बूंदी में पड़ता है, राजा नगर सिंह के द्वारा बनाया गया। पिचोला लेक उदयपुर में है। जोधपुर फोर्ट जोधपुर में है, राव जोधा जी के द्वारा बनाया गया। फतेह सागर उदयपुर में पड़ता है, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया। दीघ पैलेस दीघ में है, राजा बदन सिंह के द्वारा बनाया गया। रानी की बाड़ी बूंदी में है, रानी नतवती के द्वारा बनाया गया। छतरा महल बूंदी फोर्ट में है, रानी छत्रासल के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट और भी हैं जो राजस्थान में हैं। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में पड़ता है, राजा जय सिंह ने बनवाया। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया। भरतपुर फोर्ट भरतपुर में पड़ता है राजस्थान के, एंड इसे राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया। उम्मीद पैलेस ये जोधपुर राजस्थान में है, महाराजा उम्मीद सिंह ने बनवाया। सनसेट पॉइंट है माउंट आबू में पड़ता है राजस्थान के, एंड दिलवाड़ा जैन ये टेम्पल ये माउंट आबू में है एंड बिमल शाह के द्वारा बनाया गया। किशोर सागर कोटा में पड़ता है, राजकुमार धीर देह ने बनवाया। अन्ना सागर अजमेर में है, अन्ना जी चौहान ने बनवाया। और भी कुछ प्लेसेस हैं जैसे दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में पड़ता है, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में पड़ता है, राव जोधा जी के द्वारा बनाया गया। जगरांव फोर्ट झालावाड़ राजस्थान में पड़ता है, मूसी महारानी की छात्री ये अलवर में पड़ता है एंड महाराणा विजय सिंह ने बनवाया। जैसलमंद उदयपुर का है, महाराणा जय सिंह ने बनवाया। सहेलियों की बरी उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया। शेरगढ़ फोर्ट बरान शेर शाह ने बनवाया। अनिरुद्ध पैलेस बूंदी फोर्ट में पड़ता है एंड राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया। देन और भी कुछ है जैसे हवा महल जयपुर का महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया। जगमोहन महल कोटा का राजकुमार ब्रज कुमार ने बनवाया। सुख निवास बूंदी में पड़ता है, राजा विशन सिंह ने बनवाया। जैन टेम्पल अजमेर में पड़ता है, सेठ मूलचंद सोनी ने बनवाया। तो ये सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स थे इंडिया के, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है एंड सो ऑन। तो आप लोग इसको एक बार देखें, फिर एक बार आफ्टर 7 डेज और 8 डेज फिर से एक बार रिवाइज कर ले ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से सारा याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।